तो भैया तीन स्टॉक समझेंगे कि जिसमें अभी ब्रेकआउट मिल चुका है और अच्छा खासा ऊपर वॉल्यूम के साथ आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। उसमें से पहला है डीमार्ट, तो उसको अभी खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, क्या अभी का प्लान होगा। जैसे कि डीमार्ट में आप देखे होंगे कि अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो उसमें जुड़ो, क्योंकि वहाँ पे डिस्कशन फ्री है, आप कोई भी डिस्कशन कर सकते हो। हम लोग उसमें बहुत सारे मेंबर के साथ डिस्कशन करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 4156 इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो अपसाइड के लिए बहुत बढ़िया मूव मिल सकता है। तो अभी इसका देखोगे कि अपसाइड में और कहाँ तक जाएगा, जैसे यहाँ तक तो 400 500 मतलब 3% कल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ग्रोथ हुआ, और करीब 4-5% आज का, तो 4% आज का, तो टोटल 7% तो निकल गया है। अब स्टॉक का प्राइस है अच्छा खासा, तो इस जगह पे इन्वेस्ट करना कितना सही है और कहाँ तक इसका टारगेट होगा, तो उसको देखने के लिए अगर आप इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, नोटिस करो कि ये जो स्टॉक है, आप देखिए यहाँ पे ये रहा ये लेवल, इस लेवल से इससे पहले भी कई बार स्टॉक नीचे आया है, मतलब 4600 के आसपास से। तो अभी ये स्टॉक खुद से ट्रेड कर रहा है जो 4500 के आसपास है, इसमें से 20 कम, ठीक। तो 100 रुपया के लिए क्या रिस्क लेना अभी सही है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि अभी रुक जाओ एक बार, जैसे ही ये थोड़ा सा डाउन साइड के लिए, क्योंकि आएगा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, आज वॉल्यूम बहुत बढ़िया रहा इसमें, लेकिन एक बार अगर प्रॉफिट बुकिंग के लिए थोड़ा भी नीचे आता है, इस जगह पे आता है, तो फिर से आप इसको उठा सकते हो, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट भी आने वाला है, क्वार्टर 4 का सबका रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट सेशन में ये और भी अपसाइड के लिए मूव दिखाएगा। लेकिन अभी 100 रुपीज़ के लिए, क्योंकि 100 रुपया के पास इसका रेजिस्टेंस है, तो 100 रुपया के लिए अभी इसमें फंसने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, दो एक दो ट्रेडिंग सेशन में अगर ये डाउन आता है तो फिर आपको इसमें अच्छा खासा मूव दिख जाएगा। तो अगला स्टॉक जो अगर हम देखेंगे वो है जोमेटो। तो जोमेटो के बारे में आज से पहले भी करीब 15-20 दिन नहीं, करीब 1 मंथ पहले का वीडियो आया है जोमेटो से रिलेटेड। उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने क्लियरली उसमें यही कहा है कि भाई जोमेटो को जो इस लेवल पे था, ये जो एक मूव दिखा था कि यहाँ पे बाई करना, तो यहाँ पे मैंने कहा था कि नहीं, फिर से अगर इसमें कुछ उठाना है तो 144 के आसपास, 144 से लेके 145 तक जोमेटो को आने दो, उसके बाद से यहाँ पे फिर से इसमें बाइंग बना सकते हो। और सेम वही हुआ, 146 145 के आसपास ये स्टॉक आता है, उसके बाद से अचानक से खतरनाक रैली। अगर जोमेटो का लेटेस्ट न्यूज़ आपसे मैं शेयर करूँ तो मैं बता दूँ कि अभी 3 दिनों में जब से IPL स्टार्ट हुआ है तब से इसका जो 50% जो भी टोटल ऑर्डर होता था मंथ का, उसका 50% ऑर्डर ये 3 दिनों में, और ये सिर्फ जोमेटो के साथ नहीं स्विगी के साथ भी हुआ है। तो चूंकि जोमेटो लिस्टेड है तो मैं इसका बता रहा हूँ कि ये असर है क्या, एक तो होली वगैरह का जो छुट्टी है उसका, और दूसरा IPL। तो IPL से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स है जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, और उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड जो मैंने देखा है वो हमेशा IPL के दौरान ये जो क्वार्टर फर्स्ट आता है उसमें हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा समझिएगा, और उसमें कुछ जो अच्छा स्टॉक है उसमें आप देख सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो जोमेटो का यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रॉफिट, और ये जो पर ऑर्डर 2 से 4 रुपये अपना चार्ज कर रहा है, इसमें कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इसी वजह से ICICI सिक्योरिटीज़ जो है वो इसका जो टारगेट दिया है वो 300+ का टारगेट दिया है कि आने वाले समय में ये 300, और जिस तरह का मोमेंटम से ये 174-175 को ब्रेक कर करके निकल रहा है, तो इसमें हाँ पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन कैसा वाला पोजीशन बना सकते हैं वो भी समझने वाली चीज़ है। तो हमेशा कोई भी स्टॉक अगर मोमेंटम में निकल रहा हो तो उसमें हमेशा इस तरह से पिरामिडिंग करना चाहिए कि कुछ यहाँ पे लगाओ, 30% यहाँ पे लगाओ, 30% यहाँ पे, थोड़ा और आगे निकल जाता है, अगर यहाँ से वापस भी आता है तो फिर वहाँ पे 30% लगाओ, इस तरह से
आप पिरामिडिंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें दिख सकता है 250 प्लस दिख सकता है, और जो भी करना है वो आप अपने रिस्क पे, किसी का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र कहते हैं तो वहाँ पे देख सकते हो। तो जोमेटो में ग्रीन सिग्नल है, ये आगे निकल सकता है, जबकि उन लोगों ने 300 का टारगेट दिया है। और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आज सुबह में भी शेयर किया था 8 बजे के आसपास कि जोमेटो जो है कल का उसका डिलीवरी परसेंटेज 60% रहा है, जो कि बढ़िया माना जाता है 70% से ऊपर। लेकिन अगर 60% भी है, जनरली आप कोई भी स्टॉक में देखेंगे तो जो डिलीवरी परसेंटेज होता है वो 31% 35% इसी के बीच में घूमता रहता है, लेकिन इसका 60% था, इसमें भी 30% 31% मतलब ट्रेड हुआ, जो भी वॉल्यूम का ट्रेड होता है उसका डिलीवरी कितना जा रहा है, तो 60% मतलब बढ़िया अमाउंट डिलीवरी में जा रहा है, लोग इसमें लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। तो ये चीज़ आज दिख गया, और 5% का ग्रोथ आज सिंगल डे में दिखा। तो जो भी लोग टेलीग्राम पे होंगे उनको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगला स्टॉक अगर देखेंगे तो ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल। तो सेल में एक अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आया था कि सर सेल का क्या कहते हो, वो यहाँ पे ये जो मूव था इस जगह पे 145 पे लेकर के फंसे हुए हैं। तो भाई देखो, सेल जो भी गवर्नमेंट कंपनी है ना, अगर इस सेम गवर्नमेंट थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि इसका लक्षण जो है वो कुछ इस तरह का नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी एक चीज़ पॉजिटिव इसमें ये दिख रहा है कि जैसे टेक्निकली समझना इस चीज़ को कि कोई भी एक डाउन मूव आया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना तो ये 50% तक रिट्रेसमेंट हो गया है, यहाँ से 50% का रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो इसके बाद एक बार अगर नीचे आना रहता ना तो स्टॉक नीचे आता फिर से, लेकिन कोई डाउन साइड अभी दिख नहीं रहा है, डेली इधर लगातार आपको ऊपर के लिए ही दिख रहा है, ऊपर के लिए ही दिख रहा है, बाइंग इसमें बन रहा है डेली अभी। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि अगर निकलना है, रिस्क है तो आप देख सकते हो, निकल सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसको सोचोगे तो अगर मार्च है अप्रैल, ठीक, अप्रैल में अगर देखोगे ना तो हो सकता है एक रैली मिलेगा, अभी इलेक्शन से पहले भी एक थोड़ा सा रैली मिलेगा, तो उसमें ये 45 के आसपास निकाल सकता है। तो इस समय गवर्नमेंट स्टॉक है, अगर सोचो कि गवर्नमेंट सेम गवर्नमेंट रह जाती है तो ये सब स्टॉक अपसाइड के लिए 160 आराम से ये सब फिर से दिखने लगेगा, लेकिन अगर नहीं गवर्नमेंट का आना हुआ तो फिर इसमें और फॉल होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है स्टॉक ठीक है, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मेटल पे अभी इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा हुआ है तो इस वजह से मेटल स्टॉक सब थोड़ा सा डाउन में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउन होता है फिर मेटल स्टॉक ऊपर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का यूज हमेशा है। अभी थोड़ा सा एवरेजिंग यहाँ पे चल सकता है, अगर नहीं करना है तो आंख बंद करके छोड़ दो, अप्रैल तक देखो, अप्रैल मई में ये स्टॉक वापस से वो सब जगह पे आ जाएगा, लेकिन अगर एवरेज कर लोगे तो पैसा आपका छूट सकता है, इसको वापस से निकाल लोगे यहाँ पे जैसे ही 145 के आसपास जाएगा, क्योंकि 140 पे अभी जो इस हिसाब से 140 पे यहाँ पे इसका भी रेजिस्टेंस है, तो एक बार यहाँ तक जाने दीजिए, यहाँ पे एक बार देखिएगा तो उस जगह पे अगर फिर से ये नीचे साइड के लिए रिएक्ट करेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और नहीं तो फिर यहाँ आप एवरेज करके थोड़ा निकाल लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप देखना कि कुछ स्टॉक्स जो है जो आईपीएल से रिलेटेड स्टॉक्स है और बहुत बढ़िया परफॉर्म, प्रीवियस जितना भी आईपीएल हुआ है सारा सेशन में अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसमें भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, तो उसका देखिएगा थोड़ा कुछ समझ में आएगा। और जो भी बाय सेल करना है वो अपने हिसाब से करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से करो, इस चैनल का कोई मकसद नहीं है कि आपको रिकमेंड किया जाता है, ये जस्ट मेरा व्यू है और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हरे कृष्णा।